ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, ना ही न निर्मल करनी। सात संगत के अंचल लावो, विखम नदी जाए तरणी। सतगुरु विटो वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, ए नीने तरी जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजे लगे, डुबे से बन जा रिया। सतगुरु है बोहे था, विरला किने विचारिया। कर कृपा पार उतारिया, परम सम्मान योग गुरु प्यारे साध संग जीओ, गुरमत ज्ञान मिश्री काज वालों सिखी लहर के तहत रखे गए पंजाब के वक् वक् पिंड गुरमत समागम तिस लड़ी के तहत अज सवेरे वेले का दीवान आप जी के नगर में रखा गया है, जिस दी आप जी हाजरियां भर रहे हो। भावें कि कई बारी अक्सर चार बंदे जदों कट्ठे हो के बैठते ने गल्लां करते ने, वेखो जी दूजिया मतां दा किन्ना प्रचार है, किन्नी दूर तक गल जांदी है। इहदे विच कोई शक नहीं, पहली गल ते है कि साडियां बहुत धार्मिक जथेबंदियां ने पिंडां वल ध्यान दित्ता नहीं, ते जे कोई पिंड विच गुरु दी गल करन वास्ते आउंदा है, साडा उत्साह वेख के साडा चाह वेख के वह फिर दसां सालां ते गल जा पैंदी। गए सी जी फलाने पिंड गल करन वास्ते, उत्थे 50 बीबियां बैठियां सी ते 20-30 जाने बजुर्ग ते नौजवान बैठे सी। वह कोई नहीं सुनदा भाई, पिंडां विच गल जाण दा फायदा कोई नहीं, ये लोग कलाकारां नूं ज़्यादा लाइक करदे ने, असीं राह दे दिंदे आ। पहली गल मैं बेनती करनी चाहुंदा, एक ते ओह ने जिन्हां धार्मिक जथेबंदियां ने कदी पिंडां वल ध्यान दित्ता नहीं, ते जे कोई पिंड विच बजुर्गो तुसीं बैठे हो, गृहस्थी हो, तुहाडे बच्चे ने, पुत पोतरियां वाले हो, पहली गल है कि कोई मनुख इस बन्ने अपने आप नूं तोरन तों गुरेज करदा है। तुसीं अपने बच्चे कदी सोचना, कदी उहदे कोल गल करके वेखना कि पुत्तर तूं प्रचारक बनेगा, तुम्हें गुरु घर का कीर्तनिया बनेगा, उन्हें कन्नी कतराउणी है, परां जाना है। पता नहीं क्यों, क्योंकि असी समाज में हवा बना के दुनिया सामने पेश किया है। गुरुद्वारों के हाल साढ़े घर नालों कितने वड्डे ने, सुभाव गल है पैसा भी गुरुद्वारों से काफ़ी लगा होंदा है। बुजुर्गों एक बार वेख के ना स्वै पड़चोल जरूर करना, ये बारे चर्चा जरूर करना भी किहड़ी चीज़ की घाट है। अज उस स्कूल की इमारत नूं की करना, जिस स्कूल की इमारत में पढ़िया लिखिया नौजवान बच्चा कोई डीसी ना बन सके, कोई पुलिस ऑफिसर ही ना बन सके, कोई इंजीनियर ही ना बन सके, लोग कहणगे भी की फायदा भाई, की लाभ की है। तुसीं अपने बच्चों नूं स्कूल विच, एक स्कूल तुहाडे घर तों 2 किलोमीटर की दूरी पर, एक स्कूल तुहाडे घर तों 8 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पढ़ाई जिहड़ी है वह 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर वाला जिहड़ा स्कूल है उत्थे घट है, इमारत वधिया है। जिहड़ा 8-10 किलोमीटर स्कूल दूर है उहदी इमारत भावें एड्डी वधिया नहीं, पर पढ़ाई टॉप दी है। असीं कित्थे बच्चे नूं पाउणा पसंद करांगे भला, जिहड़ा साडे घर तों 8-10 किलोमीटर दूर है। इमारत वाल वेख के नहीं, बिल्डिंग वाल वेख के नहीं, उत्थों दी पढ़ाई वाल वेख के। बुजुर्गों आने वाले समय में सवाल उठाया जाना है,
इन्हें ने महंगे गुरुद्वारे, इन्हें ने कीमती मार्बल फर्शा, सब कुछ आउटपुट की है। किन्ने बच्चे ने उहदे विचों सिख बने? स्कूल की आउटपुट तो यह होंगी है, स्कूलों वाले तो साल बाद रिजल्ट दसते पेपर चाहता है ना भी साडे स्कूल का बच्चा टॉपर। कभी कोई गुरुद्वारे का भी इंज होएगा भी साढ़े गुरुद्वारे होए प्रचार, साढ़े पिंड के किते गुरुद्वारे प्रचार करके फलाने बच्चे ने आनंद कार्ज कराया, दाज नहीं लिया, नशे छड़ दिते, बुरियां आदतों तो बच गए, खंडे की पौ ले ली, घर विचों नशे उज के बाहर कर दिते। सवाल है साढ़े सामने कि गल, क्योंकि असं पिंडा में जाने हैं, कई कई नगर तो साढ़ा इन्ना उत्साह वध है, इन्ना चाह वध है कि हे सच्चा पातशाह वाकया संगत किनिया तरसरियां ने बबीहे वगू इन्हों तक गुरु की गल पहुँचाउणी चाहिए। पर सच्ची गल है असं कहण तो गुरेज नहीं करते, कई नगर में आ के इंज लगता कि इस नगर में प्रचार की जरूरत नहीं, ये पहले बड़े खुशहाल ने, इन्हों गुरमत की जरूरत नहीं, ये पहले गुरमत वाला जीवन जी रहे हैं, इन्हों गुरमत का तो पहले ही पता है। इतों अंदाजा लगता है कि इन्हों गुरमत नाल इन्ना प्रेम नहीं। आओ सतगुरु जी कृपा कर, आप इस पक्षों अपना उत्साह होर वधाइए ताकि असी गुरु की विचार नू कर कर पहुँचाउण विच अपना सहयोग पा सकी। सतगुरु जी कृपा कर, अदब सत्कार दे नाल फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने आपां इस पावन पवित्र पौड़ी विच बड़ा सुंदर उपदेश बख्शिश किया है। गुरु नानक साहब महाराज कहते मैं अपने गुरु तो बलिहार जाता हाँ, मैं अपने गुरु तो वारने जाता हाँ, कुरबान जाता हाँ। किस वास्ते? कारण की है? जो बंदा किसी तो कुरबान होंदा है, इहदा अर्थ बड़ा प्यारा लगता है, बहुत ही स्नेह होंदा है, बहुत ही मुहब्बत होंदी है, बहुत ही चंगा लगता है। गुरु नानक साहब महाराज कहते हैं सतगुर विटों वारिया, मैं अपने सतगुरु तो वारने जाता हाँ, जित मिले खसम संभालिया, जिन्हों मिलके मैं खसम संभाल लिया। ध्यान देना, हूँ पहली गल है बहुत खसम बारे नॉलेज नहीं, संभालन की गल तो बाद आती है। तुम घर वेखिया कपड़े को संभालने वास्ते प्रबंध वखरा होंगे, अलमारियां बनिया होंदिया ने, सूटकेस होंगे ने, ट्रंक होंगे ने, पेटियां होंगे जिस कपड़े सांभे जाते हैं। हुण किचन दे विच आटे वास्ते डब्बा होर हुंदा है, दाल वास्ते डब्बा होर हुंदा है, खंड वास्ते डब्बा होर, जिहो जी वस्तु उदां दा संभालण दा प्रबंध किया जाता। हुण खसम नूं समझना पवेगा ते खसम नूं संभालण वास्ते किहड़ी चीज़ की जरूरत है भला? हुण जिहड़ी चीज़ की जरूरत है खसम नूं संभालण लई, सच्ची गल है अज समाज की बहुत गिनती कोल उह चीज़ नहीं है। ध्यान दे के सुनना, खसम नूं, हुण खसम की है? काल पुरख परमात्मा वाहगुरु के गुण वाहगुरु की विचार, उन्हों संभालने वास्ते की चाहिए भला? इहदा जवाब आपां सतगुरु की बाणी चों लैणा। तुसीं पिंडां विच साध संगत वेखिया होएगा, जदों हुण तां दुकानां वी वड्डियां हो गईआं पिंडां विच ना, पहलां दरमियानी जी दुकान होनी, दुकान दे विच तरह तरह के समान पए होने, मखाने पए होने, मर्दबान होना, तो बाहरों मर्दबान के विचों दी बाहरों मखाने दिस पैणे, दाल पई होनी बाहरों दिस पैणी, खंड पई होई बाहरों दिस पैणी, फुल्लियां जो भी समान होना बाहरों दिस पैना। तो दुकानदार ने अपनी दुकान में किन्ने डब्बे रखे होंगे सन समान को संभालने वास्ते। गुरु नानक साहब महाराज ने बड़ी कीमती उदाहरण दी है, हाण हट कर यार जा, हे भाई अपने बीत रहे समय नू, गुजर रही उम्र नू तू दुकान बना। उदाहरण दुकान दी दी, हाण हट कर यार जा, सच नाम कर वथ, सच नू सौदा बना ला ते बीत रही उम्र नू दुकान बना ला। ते साध संगत सौदे नू टिकाउण लई मर्दमान चाहिए, डब्बे चाहिए, वह डब्बे किहड़े? सुरत सोच कर भांड साल, सुरत सोच कर भांड साल, अपनी सुरत नू भांड्यां दी कतार बना पाव। जिवें किसे वस्तु नू टिकाउण लई बर्तन चाहिए, अपनी सुरत नू बर्तन बना जिहदे विच सच दा सौदा टिकाया जाणा। अज सुरत ते है ही नहीं, अज सुरत जिहड़ी गुरु वाली चाहिए उह तो सुरत है ही नहीं। वैसे साडे कोल सुरत है गलत विचारां टिकाउण वास्ते, निंदिया चुगली ईरखा साड़ा, इंज कह लो साढ़े ते किसे ने परपकार किया असी दूसरे दिन भुल जाने, किसे ने साड़ा नुकसान किया असी सालां तक चेता रखते।
ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਉ ਵਣਜ ਕਰ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਿਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਈ ਚਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਚਾਹ ਬੜਾ ਨਾ, ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼। ਜਿਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਮੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਰਮਾ ਕਾਹ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਖ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਖ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਖ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੁਰਤ ਆਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ, ਆਹ ਨੇਤਰਹੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਪਖੰਡ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀ ਆ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਧੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਸੁਰਤ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਨਕਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਭਲਾ, ਖਸਮ ਸ਼ੋਗ ਆ ਵੇਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਖਸਮ ਸ਼ੋਗ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਔਰਤ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਭਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਧਰਮ ਮਾਰ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਰਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਮਾਜ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਔਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਤਾ
कि मेरा पति सूट भी मैनू वधिया लिया के दिंदा है, मेरे बच्चों वधिया स्कूल च पढ़ा रहा है, सारा प्रबंध वधिया करदा, पर इहदा जिहड़ा ईमान है मेरे तो डोल के किते होर जाके टिक गया है। कि औरत प्रवान करेगी? सुभाविक नहीं प्रवान करेगी। वह सधारण घर में रहना पसंद करेगी, इक्के सूट में छे छे महीने गुजारा कर लेगी, दरमियाने बच्चों दरमियाने स्कूलों के बच्चों पढ़ाना पसंद कर लेगी, पर कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि मेरा पति अपना यह धर्म छड़ के किते दूजे थां ते जाके मूँह मारे। इदां ही औरत सारिया जिम्मेवारियां निभाउंदी होवे, किचन विच हर पक्षों उहदे महारत हासिल होवे, वधिया प्रसाद पानी तैयार करदी होवे, सिलाई कढ़ाई आउंदी होवे, बच्चों नूं प्यार पूरा दिंदी होवे, हर एक चीज पर वो पति व्रता धर्म के उपर खरी ना उतर सके, पति नूं छड़ के पासे जाके अपने जीवन नूं बर्बाद करन वाले वो अपनी जिंदगी विच औगल धारण कर लवे, की मर्द प्रवान करेगा कि तू प्रसादा बहुत वधिया बनाउनी है, तू कपड़े बहुत वधिया सीवनी है, मैनू कोई शिकायत नहीं, मैं तेनू प्रवान कर लवांगा भावें तेरे मन विच किसे होर प्रति भी ख्याल, प्रवान करेगा? जे औरत नूं मर्द ते मर्द नूं औरत प्रवान नहीं कर सकता तो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज किवें प्रवान करनगे तेनू भलिया? तू रुमाला भी वधिया लिया के दिता, लंगर भी वधिया लिया के लवा दिता, हर एक चीज विच, पर जदों तेरे तेरा ईमान डोलदा है ना, तेरा विश्वास डोलदा है, तू इहो सिर चुके जाके मड़ी कबर जोतशी पांधे अगे जाके सुट देना है, भला यह धर्म हारन नालों कोई घट चीज है? ईमान हारन नालों घट चीज है कोई? जे तू अपनी औरत नूं तेन माड़ा क्या, तेरे तेरी पत्नी किसी नाल प्यार ना दो गल्लां ही कर लवे भावें उन्हें भरा समझ के कीतियां होण, हर वार औरत गलत नहीं होंदी, कई वारी वह भरा समझ के किसी मर्द नाल गल कर लैंदी है, पर मर्द नूं पता लग जाए तो घर च त्रेड़ां पै जांदियां ना। कई वारी मर्द औरत नाल भैण समझ के गल करदा है, औरत उते शक करके परिवार बिखर जांदा है। जे पत्नी ने हस के वैसे गल की, पति ने किसी औरत ना वैसे हस के गल की, परिवार ने बर्दाश्त नहीं किया, वह भलिया तू तो हस के गल ही नहीं की, अपना सब कुछ गुरु अगे चुके तो उन्होंने अर्पण करता, तेनू गुरु प्रवान किवें करेगा? तेनू किवें गुरु विश्वास में लैके आएगा? तू गुरु अगे सब कुछ चुके पासे जाके अर्पण कर दिता, गुरु अगे सिर चुकाया, रुमाले चढ़ाए, सब कुछ किया, पर सच दस तेनू अंदरों गुरु ना प्रेम है? तू अंदरों गुरु का वफादारी है? तेरे अंदर सुहागण वाले वाकया गुण है? जिहड़ी गल गुरु नानक साहब ने आख्या खसम छोड़, औरत सब कुछ करे पर जे कि खसम का लड़ छड़ के बह जाए ना, उहदी जिंदगी तबाह हो जाती है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जिंदगी खत्म हो जाती है जो अपनी जिंदगी विचों अपने खसम का लड़ छड़ के बह जाए। अज परिवारों के परिवार डुब गए, अज असीं हसना चाहते हैं, वो अपनी वो पत्नी जो मर्जी करे, पति आवे तो अगे पिछे प्रशादा लैके घूमे, पर अपना धर्म हार जाए, मर्द प्रवान नहीं करता, गुरु तेनू किवें प्रवान करेगा? तू लंगर वधिया लवाना है, पालकी कहना मैं कला बना देवगा, चंदोआ मैं कला लवा देवगा, हर एक चीज कीमती मैं कला लिया देवगा, पर महाराज मैनू रोकियो ना, मैं तुहाडे नालों वध प्रेम फलाने बाबा जी नूं करदा, मेरा परिवार सिफतां करदा रजदा नहीं, कि साडा परिवार जी अज खुश है ते उस बाबे जी की कृपा नाल, साडे घर विच बड़े दुख सन, बाबा जी ने कृपा करके साडे घर विच सुख पैदा किया, पता नहीं बाबा जी ने रब नूं किवें मनाया, रब ने कृपा कर दिती। गुरु प्रति विश्वास नहीं, एक बंदे प्रति विश्वास आ गया, बंदे प्रति भरोसा आ गया साडे मनां विच, जाके वेख लो किन्ने लोगों का ईमान डोलिया होया है, किन्ने लोगों का विश्वास डोलिया होया है। सत्संग किसी पिंड के बार बार शराब की दुकान हो इस गल का सबूत है कि इस पिंड नशा पीने वाले रहते हैं, यह सबूत है कि इस पिंड इन्ने लोग नशा पीने वाले रहते हैं। किसी पिंड ज्योतिषी पांधे की दुकान हो किस गल का सबूत है भला कि इस पिंड वहमी लोग रहते हैं? दुकान चलती ही है भी वहम लोगों के पाते हैं। मान लो एक पिंड ऐसा जिहड़ा कहिंदा असीं गुरु ग्रंथ साहिब तो सवाए किसी पर विश्वास नहीं रखते, सानू कोई टेवा लवाउण दी लोड़ नहीं, सानू कोई पत्री खिलवाउण दी लोड़ नहीं, सानू पुछण दी लोड़ ही नहीं, असीं अपने गुरु नूं पुछ के तुरदे हां, असीं गुरु दी बाणी मुताबक अपना जीवन जीवने, सत्संग आपे दुकान बंद हो जाएगी, आपे सुखा काम है, पर असीं विश्वास डोल लिया, अपना भरोसा छड्ड के बह गए। किन्नी कीमती, बाबे कबीर ने बड़ी कीमती गल कही,
कबीर सुख नाए जोग, सुख नहीं है इस समय विच, किहड़े समय विच भला, करें जो बहुते नीत, सुख नहीं हैगा जे बहुते मित्र बना लिए, तो चाहे औरत मर्द प्रति ख्याल रखे ते मर्द औरतां प्रति ख्याल रखे, जीवन सुखी है भला? जीवन कदी सुखी है? सुखी नहीं रहिंदा। कबीर सुख नाए जोग, करें जो बहुते मीत, जो चित राख है एक स्यों, जो चित राख है एक स्यों, जेड़े चित एक ते रख दे ते सुख पावे नीत, ओ सदा सुखी रहिंदे, नित सुखी रहिंदे, जिन्हां नूं एक ते भरोसा, जिन्हां नूं एक ते विश्वास, ते जेड़े एक ते विश्वास नहीं रखदे डुब जांदे। खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बन जा रहा, वो डुब गए, सतगुरु सतगुरु है गोहे था, गुरु की है भला जहाज, पर सारे नूं पता विरले किने विचारे आ, इस गल की विचार भी किसी विरले ने की। सारे सुन, जहाज बेड़ी किश्ती विच बड़ा फर्क होंदा है, हुण गुरु ते जहाज है, पर इस वक्त ना साढ़े लोग जहाज नूं छड़ के कई किश्तियां चढ़ना पसंद करते, हुण किश्ती की कपैसिटी होंदी है 2, 4, 10, 20 बंदे चढ़ा के बेचारी डको डोला खाने लग पैंदी, माड़ी जी हवा तेज आवे तो तां वी ऐ डर ही है ना, चप्पू लाने वाला भी थक जाता। हुण जहाज ते किश्ती च फर्क ही है ना। हुण ये पंजाब है जिथे गुरु जहाज की गल की गई, इत्थे हुण वेख लो किन्नियां किश्तियां ने, निके 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 बोट जे तुरे फिरदे इत्थे, जिन्हां ते लोग चढ़ना पसंद करते, निके निके बोट, निके निके किश्तियां, कईयां दे किल कोल निकल जांदे, पानी पूनी विच वड़ वड़ जांदा, डुब्बण पैंदे ने, कई बेचारियां किश्तियां खाली डुब्बी जांदियां ते लोग भाई भाई चढ़ते रहे की ने भला। आ जिहड़ा साढ़े समाज में गुरु ने सानू दिता सी सिख समाज, पाव सिख वो जिहड़ा ज्ञान लैण वाला, एक नवा समाज पैदा हो गया साढ़े च, भला किहड़ा? संत समाज। हुण सिख समाज ग्रिश्ती है, संत समाज ग्रिश तों भगौड़ा है। हुण दुख ना इह पहली गल ते साडे नाल संबंध ही कोई नहीं, इह मैं क्लीयर कह दूं, सवाल कर सकदे हो तुसीं, तुहानूं हक है सवाल करन दा। सिख समाज है जिहदियां जिम्मेवारियां बहुत वड्डियां ने, ग्रिश्ती है, परिवारक जिम्मेवारियां ने, मां बीमार होएगी तां दुख। इत्थे संत समाज एक वखरा ही समाज है, साडा समाज नहीं हो। हुण प्रॉब्लम यह है कि समस्या खड़ी है ग्रिश्ती दे घर विच, हल कराउण दा फार्मूला पुछ रिहा उहदे कोलों जिहनूं ग्रिश्त बारे पता कुछ नहीं, जिहनूं ग्रिश्त बारे पता कख नहीं, पुछदे कहिंदे कोल जाके भला आपां, बाबा जी कृपा करो जी साडा मुंडा आखे नहीं लगदा। अच्छा, इसे बिपता तों भज्जे ते विचारे उह डेरे डूरे पा के बैठे, असीं फिर जाके उहनां कोल दुख रहिंदे, बाबा जी मुंडा आखे नहीं लगदा, फिर असीं भजदे आ बाबा जी साडी मज नहीं मिलदी, साडा मुंडा पढ़दा नहीं। कई पेन लै के जाते हैं, बाबा जी आ पेन फड़े माड़ा जहा, आ पेन फड़े, सारे बच्चे ने इम्तिहान देने ने, इस पेन फड़ के ना पाठ कर दो थोड़ी जी अरदा, पेन हाथ ही ला दो बाबा जी, क्यों बजुर्गो पिंड कोई पढ़िया लिखा हो, इंग्लिश का लैटर आ जाए ना किसी को, इंग्लिश की चिट्ठी आ जाए तो पढ़ाने वास्ते लोग वो को जाते हैं, जो पिंड जिन्हों इंग्लिश आती हो फलाने को पढ़ाओ भाई, उन्होंने ऐन अखर अखर उतार के तुम्हें दस दो, तो पिंड बेचारा दरमियान जहाँ बंदा हो सामने इंग्लिश का लैटर आ जाए, तू पढ़ के सुना, कहता भाई मेरी जाने बड़ा काला अखर भैंस बराबर, मैनू भी पता ये जाओ जो दो अखर पढ़ने होंगे। हुण साढ़े लोग भजदे आ भी आ वेखो जी बाबा जी पेन फड़ो जी, जे वाकया बाबा पेन फड़न जोगा होंदा वो स्कूल टीचर लग जाता, कोई ना कोई सौखा काम है, कमाल की गल है, तो आ ही बड़ा सौखा, लम्मा जा चिटा चोला पा लो, इतने पुलिस अफसर ने भी मत्था टेकना, इतने एडवोकेट ने भी मत्था टेकना, बड़ा सौखा रहा ना, इतने किसान ने भी मत्था टेकना, इतने मंत्री ने मत्था भी टेकना, इतने प्रधानमंत्री ने मत्था भी टेकना, इतने मुख्यमंत्री ने मत्था भी टेकना, इतने हर एक अहुदेदार ने आने के मत, वो आंदा काम ही बड़ा सौखा भी सारे लोग मत्थे मैं टेकते, यह दार था तो काम ही बड़ा सौखा। ता ही तुम वेखियो बंदा सिख बन नालों वध बाबा बन नूं तरजीह दिंदा,
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਹੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੀ, ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਜਦੇ? ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੀਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਆ ਭੈਣੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਭਰਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕ ਗੜਵੇ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ, ਤੌਲੀਏ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ, ਆਉਣ ਦਾ ਜਲਾਓ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਚਨ ਬੁਝਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਬੜਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟੇਨਰ ਚਾੜ ਲਓ, ਵਿੱਚੇ ਹਾਥੀ ਚਾੜ ਲਓ, ਊਠ ਚਾੜ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਹੱਥ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੋਟ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ 10 ਬੰਦੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 15 ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਨਿੱਘੇ ਨਿੱਘੇ ਬੋਟ ਨੇ, ਕੋਈ 10-15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 4 ਪਿੰਡ ਪਰਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕੋਈ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੋਟ ਆਪਣਾ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਏ ਕਾ ਗੁਰ ਜਹਾਜ਼ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਬਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛੁਡਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਔਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਵਕਤ ਕੱਢੋ, ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਐਤਵਾਰ ਜਾਣਾ, ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ? ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੱਲ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਤ ਚਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਤ ਚਾਰ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਨੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਇਲ ਬੁਜ਼ਦਲ ਤੇ ਡਰਪੋਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਜਦੇ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੂਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੰਝ ਕਹਿਣਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਨਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣੇ ਸਨ? ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਉਪਦੇਸ਼, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਤ ਛੇੜੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਆਏ,
ध्यान दे के सुनना मेरी वो भैनों, बहुत वड्डे हॉस्पिटल च होके आवे, डॉक्टर के लागे पांच घंटे बह के आवे, तो मुड़ के छावा आण के ना पिंड के निके जे डॉक्टर को दवाई लेंदा फिरे, इलाज निके जे डॉक्टर को करवा फिरे, लोग हसन के भलिया एडे वे डॉक्टर को इन्ने दिन इन्ने घंटे बहन का की फायदा, सानू लगता साढ़े नाल इंज हो रहा, असी गुरुद्वारे गुरु डॉक्टर के कोल बह के जाने हाथ फिर जाके पांधे नूं विखाउंदे आ, ज्योतिषी नूं विखाउंदे आ, बाबे कोल जाने आ, भजदे आ, दौड़दे आ, विश्वास वेख लो दुनिया लुट्टण तों पई है, लुट्टी जा रहे ने इत्थे, किदा किदा तबाही मचदी पई है, तुसीं पुत्तर विदेश भेजना साढ़े डेरे आओ इत्थे जहाज चढ़दे ने, तुसीं लड़का विआउणा है साढ़े डेरे इन्नियां अरदासां कराओ आ मिलेगा, साध संगत साढ़े डेरे विच इन्ने इशनान कर लो पुत्तर प्राप्त होएगा तुहानूं, इत्थे सुक्के बच्चे हरे कीते जांदे ने तुहानूं आ मिलेगा। हर एक बंदा जिवें दुकान खोल के नहीं बैठा, जिवें दुकान खोल लेंदी भी एल सी डी दे नाल तुहानूं आह चीज़ फ्री मिलेगी, फ्रिज दे नाल तुहानूं आह चीज़ फ्री मिलेगी, इदां डेरेदारां ने कहा आओगे भाई आह चीज़ तुहानूं इत्थों मिलेगी, तुसीं आण के अरदास कराओ, साढ़े डेरे पाठ कराओ। माफ करना क्लीयर कह दवां, गुरु पातशाह ने इदां दा अधिकार किसे डेरे नूं नहीं दिता कि तेरे डेरे विच कीती अरदास ते तेरे डेरे विच कीता होया पाठ रब की दरगाह में प्रवान होएगा। जिहड़ी गल गुरु अमरदास महाराज ने कही सी, ना काशी मातु पजाए ना काशी मत जाए, सतगुरु ने बड़ी कीमती गल कही सी, कहिंदे लोकां विच प्रचार पता की कीता सी, भी काशी की धरती ते आओ, जिहड़ा नहीं आएगा उहदी मत उची नहीं होएगी, उहदा नुकसान होएगा। गुरु अमरदास वर्गे परपकारी सतगुरु ने कहा, नहीं प्यारे हो काशी जाया किसी की मत उची नहीं होनी, ते जे को कह दे मैनू कांछी की लोड़ नहीं, मैनू किसी बनारस की लोड़ नहीं, ओदी मत गवाचेगी नहीं, ना कांछी मत उपजाए ना कांछी मत जाए। कह लगे कोई तरीका है, सतगुरु की मत प्राप्त होएगा, सतगुरु का शब्द सतगुरु का ज्ञान प्राप्त होएगा, ओदा जीवन उच्चा हो जाएगा, ओदे जीवन नू समझ आ जाएगी, ओदे जीवन नू पता लग जाएगा कि गुरु की सिक्ख्या का की असर है। पर असी भजदे हाँ क्योंकि असी लालची हाँ, सानू इन्हां चीज़ों की जरूरत है। अरदास असी किन्हां दे नां दी करदे हां, जिन्हां बच्चे वारे पुत्रां दे टुकड़े करवाए गलां विच, इह कादा परख है भला, की है अरदास दा की मीनिंग है भला, असी उह इह जिहड़े पहरे पढ़दे पता की भाव है, हे सच्चा पातशाह तेरे रस्ते ते तुरदे हां, तेरे नाल प्यार दा सबूत दिंदे होइआं पंज प्यारे चार साहिबजादे तुहाडे अपने लख ते जिगर तुहाडे अपने बिंदी पुत्र उह वी कुरबान हो गए, किने किने कुरबानियां करवाए चरखियां ते चाड़े गए देगा च उबाले गए दाता, भावें मैनू अज देगा विच किसे ने उबालना नहीं, पर इन्हां वल वेख के मैं एक विश्वास रखदा, दाता मेरे मन नूं भरोसा बख्शियो, मैं डोलां ना मैं थिड़कां ना मेरा मन घबरावे ना, मैनूं ताकत बख्शियो। अरदास गुरुद्वारे आण के इह करनी चाहीदी है, दाता जे किते मैनूं अपने बच्चे की लाश नूं वेखणी पई मैं किते घबरा के तैनूं उलामा ना देवां, असीं रब नहीं हां साडे आखें च होएगा, हे मालक जे जिंदगी च कोई नुकसान भी हो गया तो मेरे ते कृपा करो, मेरा मन घबराहट विच ना आवे, मैनू हमेशा चढ़दी कला विच रखियो, जो मंदर को थम है थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थंभन, जिवें कि बिल्डिंग नू खिलारन वास्ते थले पिलर दिते जांदे ने, बुरजियां कीतियां जांदियां ने, दीवारां कीतियां जांदियां ने, दाता मैं अपने मन नू मजबूत करन वास्ते तुहाडे विचारां दे पिलर मंगदा हाँ, कि मेरी तुहाडियां विचारां तुहाडे कीमती बचन मेरे मन नू मजबूत करन तां कि मेरा मन डोले ना तां कि मेरा मन घबराए ना, मैं अडोल रह के अपनी जिंदगी नू बसर कर सकां, अडोल रह के अपनी जिंदगी नू जीव सकां। ये अरदास सिख ने सतगुर के चरणों में करनी है, पर अज असी डोले हुए नज़र आने हाँ, थिड़के हुए नज़र आने हाँ, क्यों? क्योंकि कितने ना कितने साडा विश्वास सतगुर के। वाहिगुरु जी का खालसा। चार दिन बुलाओ फतेह, साढ़े जेड़े पुराने मिशन की ज्ञानी जगमोहन सिंह जी, वह अक्सर एक गल दस्या करते होंगे सी कि जदों मैं उन्होंने प्रचार करने के तरीके देखो, झोला लैना विच टॉफियां पा लैनिया, किसी के घर जाना जाके जाते कहना बीबा बच्चे किन्ने ने, उन्हें कहना एक बेटी एक बेटा, इधर आओ बच्चे चार साहबजादे ने ना सुनाओ, अगों बीबी ने अपने आलस का दिवाला कढ़दे हो गल कहनी, नहीं ज्ञानी जी बच्चों जिन्हें मर्जी मत्थे मर जाओ ये नहीं सीखते कुछ भी, वह अक्सर एक गल दस्या करते होंगे सन, कहना बीबी जा तू चाह बना, तेरे चाह बनाउंदे बनाउंदे बच्चे चार साहबजादे नाम सुनाउणगे। ज्ञानी जी ने एक तरीका अपनाउणा,
टॉफी हाथ लै लैनी, बेटा मेरे पिछे पिछे बोल बाबा अजीत सिंह जी, बच्चे ने बोलना बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बच्चे बोलना बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह, चार कवार दोहराना, पंजवीं बार बच्चे ने बोलना, पंजवीं बार बच्चे बोलना एक टॉफी दे देनी, कोई बिस्कुट दे देना, कहना बेटा हुण तू सुना, दो बार बच्चे सुनाउण तों बाद कहना भैन जी अपने बेटे को सुनो, चार साहबजादे नाल बच्चे ने सुना देने। बड़ी मां ने प्रभावित होना, ज्ञानी जी ये किदा, इहदा अर्थ मां ने कदी मत्था मारिया ही नहीं, मां ने कभी सिक्ख्या दित्ती नहीं, गल किसी टॉफी, बच्चे नूं टॉफी दे के दो वार गल्लां इदां फतेह बुलाउणी है। किन्नियां मावां ने भैणों, किन्नियां मावां ने, किन्नियां भैणां ने जिन्हां अपने बच्चे नाल कभी फतेह दी ट्रेनिंग दित्ती है कि पुत्तर मेरे पिछे पिछे फतेह बोल, धीए मेरे पिछे पिछे फतेह बोल, मूल मंत्र का पाठ कर मेरे पिछे। पर तां होएगा जे मां दे अंदर सिक्खी प्रति कोई भुख होएगी, मां गुरु जहाज ते चढ़ना पसंद करेगी तां ही धी नूं चढ़ाएगी ना, तां ही धी चढ़ेगी। जे नहीं पति इस बन्ने तुरदे तां कोई गल नहीं भैणों, आपां ही घर सांभ लईए, आपां ही जिस घर विच एक भी बंदा थोड़ा जिहा सुचेत होवे ते चोरां तों घर बचा सकदे। जिथे पति नशे करदा है, पत्नी कहिंदी तू नशे कर तगड़ा होके, मैं 15 दिन 20 दिन बाद ब्यूटी पार्लर से जाके अपना पैसा खर्च करी जाना, मैं हफ्ते बाद एक सूट लैके अपना आखिए हूँ किताबों का सले स्टाल लगा है ना, भी किताबा खरीदो सीढ़िया खरीदो, असी 100 बार सोचना। भैनों पढ़न की आदत पाओ, रोज एक पेज भी किताब का पढ़िए, दो गल्लां भी रोज सीखिए, तो जीवन साडा सवर सकता है, चंगीआं गल्लां अपने घर में आ सकदियां ने। सतगुरु जी कृपा करन, जिहड़ी कीमती विचार गुरु नानक पातशाह ने दित्ती है भी सतगुरु है बोहिता विरले किने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया, गुरु की कृपा तो है, सिर्फ उस कृपा नूं वेखण दा साडे कोल नजरिया चाहिए है। पातशाह कृपा करन, गुरमत ज्ञान मिशन काज वालों सिखी लहर के तहत रखे गए समागमों में आप जी हाजिरी भर रहे हो। आओ अगला प्रोग्राम वीर जी हुणी आप जी को सरवण कराउणगे, किसी के मन में कोई सवाल पैदा होया हो, किसी भैन ने किसी माता ने कोई गल पुछनी हो, वीर तुहानू बड़े प्यारे तरीके नाल उन्हां सवालों के जवाब देणगे। इन्हीं बेनतियां प्रवान करनियां, फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।